अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल आप सबका? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ मिक्स वेजिटेबल राइस की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए वेजिटेबल्स मैंने ली हैं आलू, ये रेड चिली, बीन्स, गाजर और मटर। मुझे फ्रेश मटर नहीं मिला है, इस वजह से मैं ये कैन वाले मटर यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों में हमें चाहिए ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर। आप फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल एज रिक्वायर्ड। चावल है मेरे पास 1 कप 100। और चावलों में मैं यूज़ करूँगी बीफ मैगी क्यूब। तो चलें अब हम चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। अब डालते हैं ऑयल, प्याज को मैं स्लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। प्याज हो गए टेंडर, इसमें मैं डाल रही थी वेजिटेबल्स आलू, गाजर, बीन्स और गोभी, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर या जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर या गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 बीफ क्यूब्स। आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, मैं इसमें बीफ क्यूब डाल रही हूँ। ये दूसरी। अब ये सारी वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। ऑयल आप डालेंगे एज रिक्वायर्ड। तीन से चार मिनट मैंने वेजिटेबल्स को कर लिया फ्राई। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। जिस कप से आप चावल मैयर करेंगे उसी कप से आप पानी मैयर करेंगे। जितने भी आपके चावल होंगे एक कप के साथ 1/2 कप पानी ज़्यादा डालेंगे। तो मेरे पास 1 कप चावल है, तो मैं बनाना 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। अब वेजिटेबल्स को टेंडर होने के लिए मैं कवर करके रख देती हूँ। 5 से 10 मिनट्स में हो जाएंगी वेजिटेबल्स टेंडर। वेजिटेबल्स हो गई हैं टेंडर। अब इसमें मैं डाल देती हूँ मटर। मटर ऑलरेडी रेडी टू ईट थे, इस वजह से मैं मटर एंड पे डाल रही हूँ। और चावलों में मैंने सॉल्ट इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो बीफ मैगी क्यूब है इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो मैं सॉल्ट नहीं यूज़ कर रही। अब इसमें मैं डाल देती हूँ चावल। चावल है मेरे पास बासमती। बासमती राइस को आप 30 से 40 मिनट्स के लिए सोक करें। 30 से 40 मिनट्स इनफ है। अब इस पानी को कर लेते हैं ड्राई। चावलों का पानी हो गया ड्राई, अब हम लगा देते हैं इसे दम पर। 5 से 10 मिनट के लिए मैं रखूंगी चावलों को दम पर। चावलों को लग गया है दम। आपका ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव हो गया है रेडी।
अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ रेड चिली, और फिर से 2 मिनट के लिए दम दे देती हूँ। जबरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव हो गया है रेडी। अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट। वेजिटेबल पुलाव को कर लिया है मैंने डिश आउट, इसको मैं सर्व कर रही हूँ रायते के साथ। रायता मैंने बनाया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ज़ीरा डाल के। आई होप आपको ये वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।